योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दहाड़ मारी है। जी हां, सपा ने कौशाम्बी और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मुद्दों की भी बात हो रही है, जो काम किए हैं उनकी भी बात हो रही है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल इतने जोर से बजा हुआ है कि चारों तरफ रैलियां, चुनावी जनसभाएं और आरोप प्रत्यारोप ही आपको सुनाई दे जाएंगे। दाएं तरफ समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दहाड़ मारी है। जी हां, देखिए लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दो और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी लिस्ट जारी की थी जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। सपा ने कौशाम्बी और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में है और ये गठबंधन 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा और वादा कर रहे हैं। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि इनके कितने दावे सफल होते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पिछले चुनावों में। हालांकि मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ही माना जाता रहा है, कांग्रेस का तो दूर दूर तक इससे कोई नाता अभी नजर नहीं आ रहा है। सपा ने कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार को प्रत्याशी बनाया है। पुष्पेंद्र सरोज बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। अन्य दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर को उम्मीदवार बनाया, वहीं बहुजन समाज पार्टी से शुभम नारायण गौतम के नाम की चर्चा है। इसके अलावा बीजेपी ने कुशीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद विजय दुबे को मौका दिया है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी राज्य की 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सपा ने 17 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दी हैं। सपा ने यूपी में अभी तक 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, वहीं 8 सीटों पर प्रत्याशी भी बदले हैं। यूपी में निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने का फैसला किया है। राज्य में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को संपन्न कराया जाएगा, वहीं 4 जून को मतगणना की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जहां एक तरफ गठबंधन के साथ ही और बीजेपी लड़ रही थी, वहीं बीच में बहुजन समाज पार्टी भी आ गई है। आज जिस तरह से जो मायावती है बसपा सुप्रीमो, उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने एक जनसभा को संबोधित किया आगरा में, और किस तरह से उन्होंने तीनों ही पार्टियों को आड़े हाथों लिया, उससे कहा जा सकता है कि वो भी चुनावी बिगुल बजा चुके हैं और कहीं ना कहीं वोट जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी लोकसभा का बिगुल बजा दिया है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जो दहाड़ मारी है योगी आदित्यनाथ ने, वो एक बार फिर से कानून व्यवस्था और माफिया राज को खत्म करने को लेकर है। क्योंकि माफिया राज पर पहले भी योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ माफिया राज पर बोलते हुए नजर आए, क्योंकि हमने देखा है पिछले साल जिस तरह से बाहुबली माफिया आतिक अहमद मौत के घाट उतर गया था, और अभी जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि मैं कसम खाता हूँ कि माफिया राज को बढ़ने नहीं दूंगा, और जो माफिया या तो वो जेल में होंगे या फिर वो सुधर चुके होंगे या फिर वो पूरे ऊपर पहुँच चुके होंगे, और वो कहीं ना कहीं अब नज़र भी आ रहा है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी समर में अपनी रैली की शुरुआत सहारनपुर और कैराना से की, यहाँ पर चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए माफिया अतीक अहमद का जिक्र किया। उनका कहना था कि प्रयागराज का एक माफिया पिछली जाति के व्यक्ति की हत्या करने वाला कैसे लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था, लेकिन हमने उस माफिया के कब्जाए प्रॉपर्टी को जब्त करके उस पर गरीबों के लिए मकान बना दिए, फिर उन मकानों को गरीबों को बांटा भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह से कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि अब्बास अंसारी जो लगातार ये कह रहे हैं, परिजन जो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के कि उन्हें जहर दिया गया है, उनको कहीं ना कहीं एक दीवार से, एक चट्टान से खड़ी कर दी है कि आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हम करें, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी जो आरोप परिवार ने लगाए थे उनका समर्थन कर रही थी कि ऐसा सरकार की ये गलती है, प्रशासन की गलती है, शासन की गलती है कि ऐसा जब पहले से ही इस तरह की बातें हो रही थी तो सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं मुँह तोड़ जवाब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि लोगों ने उस वक्त मुझसे कहा था कि ये तो बहुत बड़ा माफिया है, तब मैंने भी उनसे कहा था कि देखता हूँ कितना बड़ा माफिया है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो माफिया की अवैध जमीन को जब्त कर उस पर गरीबों के लिए मकान बनवाऊंगा और फिर उसे देने भी जाऊंगा।
उन्होंने आगे कहा कि पहले ये गुंडे माफिया छोटी छोटी बात पर दंगा करते थे, फसाद करते थे, लेकिन अभी ये सब करना भूल गए हैं क्योंकि यूपी में दंगा करने वाले गुंडों को उल्टा लटका दिया जाता है और नीचे से मर्च का झोंक भी लगा दिया जाता है। बहन बेटी या व्यापारी से बदसलूकी करने वालों के साथ क्या होता है ये आपको पता ही है। अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ माफिया जेल में है, कुछ जहन्नुम में। आप सोचिए किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज को टारगेट किया है और साथ ही साथ पिछली सरकारों को भी टारगेट कर दिया और कुछ ऊपर जाने की तैयारी में है। वही कैराना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगा करने और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत और शुद्ध वातावरण दिया है। समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला। उन्होंने फिर से पनपने का अवसर मत दीजिएगा, अब शान से कांवड़ यात्रा निकालिए, कोई रोक टोक नहीं है। सहारनपुर और कैराना में अब विकास हो रहा है, यहाँ दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, भय और दहशत भी नहीं। क्षेत्र की जनता जनार्दन मोदी की गारंटी के साथ है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ भारत के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन में जुड़े सपा और अन्य दल। अब फर्क महसूस कीजिए, ये जो कालनीमी के नाम पर आएंगे उनका विश्वास मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाभिमान और सम्मान को रौंदने का काम किया कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते। बकौल सीएम, सहारनपुर और कोरोना का हर राष्ट्रभक्त कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से आज चुनावी समर में एक बार फिर से शेर की तहार दहाड़ा और कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में टेंशन जरूर हो गई है। पहले अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपज का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था। हमने कहा भी नहीं, माफिया नीचे तय करेंगे से देश की व्यवस्था को, प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा, माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफले रुक जाया करते थे। और सरकार बदली, हमने कहा एक काफले कोफले बंद होने चाहिए भाई, होटल होटल सब बंद कराओ आप, और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया एक ही बार में, हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो, ये रक्त बीज है, रक्त बीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताड़ित करेंगे, सामान्य नागरिकों का जीना हराम करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इनके सामने झुकने की बजाय दो टुक जवाब देने की आवश्यकता है। तो चुनावों में ही सबको जाति नजर आती है, किसी को मत और मजहब नजर आता है, लेकिन हम लोग चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी संकट में खड़े दिखेंगे, इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। कांग्रेस, सपा, बसपा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है, ये वोटों के सौदागर हैं, चुनाव के समय दिखेंगे, बाकी संकट के समय गायब हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि यूपी का जो चुनाव है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हमेशा से ही रहा है और दिलचस्प आगे भी होने वाला है। अब धीरे धीरे पहला चरण आने दीजिए, जब सात चरण हो जाएंगे तब दिखाई देगा आपको कि कितना इंटरेस्टेड ये चुनाव था। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मुद्दों की भी बात हो रही है, जो काम किए हैं उनकी भी बात हो रही है, लेकिन एक दूसरे को लताड़ा भी बखूबी जा रहा है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।